लोकसभा क्षेत्र रीवा की कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने अपने दोनों बेटों एवं बहू के साथ ग्राम तिघरा के मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग किया, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी व सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने गृह ग्राम हिनौता में पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान प्रत्याशियों ने कहा कि लोकतंत्र का पर्व है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मत का प्रयोग कर अपनी इच्छा अनुसार जनप्रतिनिधि का चुनाव करना है। प्रत्याशियों ने कहा कि उन्हें भरपूर आशीर्वाद रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने प्रचार अभियान के दौरान दिया है और उनका प्यार और आशीर्वाद आज भी मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस काफी मजबूत है और रीवा में कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पर 400 पार का नारा चल रहा है, वह 200 भी पार करें तो बहुत है। मेरा तो यही संदेश है जनता को कि सब लोग अपना आशीर्वाद मुझे दें और अच्छा प्यार भी मिला है जनता का। इन्हें एक महीने में जब भी मैं प्रचार में गई, अब जनता का आशीर्वाद है, आगे देखिए अब क्या होता है। मतदान को लेकर क्या अपील करेंगे, क्योंकि अभी वोटिंग ट्रेंड जो है वो थोड़ा कम है। जी, अब मतदान को लेकर मेरी यही अपील है कि सब लोग वोट जरूर करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, वोट करना चाहिए। और एक आशीर्वाद के रूप में भी सब बड़े बुजुर्ग लोग हम लोग को आशीर्वाद दें, मेरा तो यही निवेदन है सबसे। क्योंकि लगन का टाइम है इसलिए थोड़ा सा भी भीड़ कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक अच्छी वोटिंग होगी। अभी राजेंद्र सिंह ने अपनी बाइट में कहा है कि 400 पार का नारा हो गया। देखिए क्या है कि अगर ईवीएम का खेल नहीं हुआ तो मैं आज भी यही कहूंगी कि 200 के पार नहीं जा पाएगी बीजेपी। धन्यवाद। जबकि भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने तमाम मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और भारतवर्ष के संविधान की रक्षा तथा लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए मतदान करें, ताकि हमारा भारत सशक्त और समृद्धशाली देश बन सके। मतदाता साथियों, आज लोकतंत्र का पर्व का दिन है। आप सबसे आग्रह है कि इस पर्व को मनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में घर से निकल करके मतदान केंद्र में मतदान करने जाएं, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। धन्यवाद।